सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ विद दिस गुड वेदर, तो हाउ टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम यूरोप टू इंडिया और यूके टू इंडिया, या चीपेस्ट वे कौन सा होता है ट्रांसफ़र मनी करने के लिए। जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे कि कौन सी कंपनी या कौन सा सर्विस प्रोवाइडर बेस्ट है, कैसे करना चाहिए, एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, फ़ीस क्या होती है, उस सारे के बारे में। तो मैंने अपना एनालिसिस किया और उसका मैंने एक चार्ट बनाया, उसके बेसिस पर मैं आपसे वो पर्टिकुलर चार्ट जो है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये जो मैंने एनालिसिस करा है उसमें मैंने कुछ कंपनीज ले रखी हैं, लाइक करेंसी अफेयर्स, क्रिल, रिवायर, ट्रांसफ़र गो, ट्रांसफ़र वाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चार्ट देख के आपको पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अबाउट द एक्सचेंज रेट और फीस। तो क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है किसी किसी सर्विस प्रोवाइडर के केसेस में, और कुछ केसेस में हिडन फीस होती है जो आपको जब पता चलती है जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो। मैंने कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं इसमें, इस पर्टिकुलर एनालिसिस में। एक तो ट्रांसफ़र फीस हो गई, प्लस यूरोप टू इंडिया बेस्ट कौन सी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या वेल नोन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो, सपोर्ट, द कस्टमर सपोर्ट, या हमारी जो लैंग्वेज में है उसमें सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो। एंड द टाइम, कितना टाइम लगेगा आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हो। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर है ये एनालिसिस मेरा, जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। दो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, एक तो होता है ट्रांसफ़र फीस और एक होता है एक्सचेंज रेट। ट्रांसफ़र फीस हम सबको पता है कि कितना फ़ीस है, वो या तो एक फ़िक्स रेट होता है या कुछ परसेंटेज होता है, आप जितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका परसेंटेज होता है। और एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो भी डिपेंड करता है प्रोवाइडर पे कि वो कितना देना चाहता है या कितना दे रहा है या इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना है। ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये 20 अगस्त का है, तो मैंने सारी कंपनीज़ का डेटा देखा और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एक्सचेंज रेट्स थे उनका जो भी फीस थी वो सारा मैंने निकाला और उसके बेसिस पर मैंने किया। तो अगर आप आज देख रहे हो तो हो सकता है ये चेंज हो सकता है ना हो, इट्स डिपेंड ऑन कि आप किस पर्टिकुलर डेट पे देख रहे हो, बट एज ए एग्जाम्पल आप ये पर्टिकुलर एनालिसिस ले सकते हो। और गाइस मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, मैं खुद का एनालिसिस कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। हो सकता है कुछ केसेस में मैं सही ना बताऊँ या मैं गलत हूँ, पर ये प्योरली क्योंकि मैं अपने लिए कर रही थी तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अ गर्ल कॉल पूजा, वो नई यूरोप में आई थी और उसने सोचा कि वो पैसा ट्रांसफ़र करना है या उसे अर्जेंटली पैसा ट्रांसफ़र करना था टू इंडिया, पर उसे पता नहीं था कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या चीपेस्ट वे क्या है पैसे ट्रांसफ़र करने का। उसने कुछ अपने कोलीग से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, या वो जो भी जानने पहचानने वाले लोगों थे उनसे पूछा, तो उसे कंपनी एक्स बोला कि यार तुम इससे ट्रांसफ़र कर लो। वो कंपनी एक्स की जो फीस थी वो तो बहुत कम थी, लेकिन वो जो हिडन चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो उसे पता चला या हो सकता है नहीं भी पता चला हो आफ्टर सो मच रिसर्च। वो जो गर्ल पूजा थी वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा एनालिसिस किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो हिडन चार्जेस होते हैं वो नहीं पता होते हैं। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो एक्सचेंज रेट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छा देती है लेकिन फ़ीस ज़्यादा ले लेती है, एंड वाइस वर्सा, इसके अपोजिट भी हो सकता है। तो जब भी आप अपना प्रोवाइडर चूज़ कर रहे हो या कंपनीज चूज़ कर रहे हो ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है आपको मिल रहा है, लाइक जो फाइनल अमाउंट है वो मिल रहा है वो कितना है, उसको आपको बेस रखना चाहिए और उसके बेसिस पर आपको चूज़ करना चाहिए। ये एनालिसिस है, ये अगर आप सामने देख रहे हो तो इसमें आप देखो ट्रांसफ़र वाइज की जो ट्रांसफ़र फीस है वो बहुत कम है, लाइक 0.98 यूरो, बहुत ही कम है, लाइक नेग्लिजिबल है ये। लेकिन अगर मैं आप चेक करो विद अदर कंपनीज तो ये जो फाइनल अमाउंट है वो बहुत कम दे रहा है देन अदर कंपनीज अगर आप चेक करो तो। तो गाइस जो मैंने एनालिसिस लिया है वो 1000 यूरो पे लिया हुआ है, टू नो कि 1000 यूरो पे हमें कितना पैसा मिलेगा। आज लाइक 20 अगस्त का जो एक्सचेंज रेट है वो पर्टिकुलर डाला है उसमें और कंपनीज जो ऑफर कर रही हैं वो, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू नो ऑल द थिंग्स। और
अगर आप लोग इस चीज़ में प्रोफेशनल हो, अगर कोई भी सब्सक्राइबर है वो देख रहा है और अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है इसमें, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, तो ये सारा एनालिसिस है एंड द बेसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, द फाइनल अमाउंट जो भी रीच कर रहा है उसके बेसिस पर मैंने इसको रैंकिंग दी है। उसी के साथ बिकॉज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे लविंग सब्सक्राइबर, उन्हें दो फ्री लिंक्स दे रही हूँ ताकि ये जो पर्टिकुलर फीस है ये आपकी वेव ऑफ हो जाए। और बिकॉज मैं रिवायर यूज़ कर रही हूँ, तो रिवायर के बारे में, लाइक रिवायर से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, वो मैं आपको बताऊँगी। चीज़ें और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे रिवायर के एक्सेलेंट एफएक्स रेट्स तो है ही हैं जो मैंने इस चार्ट में बताया, उसके बाद आपको दो फ्री लिंक्स भी मिल रही हैं, प्लस इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, लाइक 7 डेज अवेलेबल होता है और आपकी खुद की लैंग्वेज में आपको सपोर्ट करता है, यूरोपियन प्लस इंडियन, सो दैट्स वेरी गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है इसके साथ, प्लस आपको स्टाइलिश मास्टर कार्ड मिलता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने जो भी ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग्स है, प्लस द वर्चुअल कार्ड भी होता है इनका। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिवायर है वो यूके में अवेलेबल है, तो इन केस अगर आपको पाउंड्स टू इंडियन रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर आई एम गिविंग फ्री लिंक्स, तो जो वो पर्टिकुलर 0.6% है वो वेव ऑफ हो जाएगी। और माई मोटिव इज़ कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकूँ कि मनी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, प्लस कौन सा चीपेस्ट तरीका है या आपको कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए। बिफोर गोइंग फर्दर आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर चार्ट। इसमें मैंने जो टॉप कंपनीज हैं जो यूरोप टू इंडिया ट्रांसफ़र करती है वो निकाली, उसके एफएक्स रेट क्या चल रहे थे 20 को वो देखे, ट्रांसफ़र टाइम या बैंक ट्रांसफ़र का टाइम कितना लगता है वो देखा, ट्रांसफ़र फीस अमाउंट कितना है वो देखा, और इनिशियल मनी जो है वो कितना फ्लो होगा और जो फाइनल मनी है अकाउंट में वो कितना फ्लो होगा और पर्टिकुलर टाइम पे ऑफर क्या चल रहे हैं वो। तो अगर आपको चेक करना है तो ऑलवेज चेक फॉर कि फाइनल अमाउंट जो है वो आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है फीस बहुत कम है लेकिन जो फाइनल अमाउंट है वो भी कम है देन अदर कंपनीज। तो दिस इज द इनटेक फ्रॉम माय एनालिसिस जो मैंने की, एंड सम ऑफ द कंपनीज जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था वो दे आर द प्लेयर्स एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस। अब क्योंकि मेरे को ये वीडियो में ये दिखाना है आप लोगों को कि आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो पैसा, तो मैं रिवाई यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसका एक सैम्पल बता देती हूँ कि कैसे कर सकते हो। द सेम तरीका होता है विद ऑल द कंपनीज, तो पहले आप वो देख लो। सो यू कैन गो टू रिवायर ऐप या फिर उनकी वेबसाइट पे सेंड मनी ऑप्शन पे, एंड देन अमाउंट जो ट्रांसफर करना है, नेक्स्ट योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिसीवर सिटी एंड योर रिसीवर फोन नंबर, नेक्स्ट एंड द बैंक अकाउंट यू नीड टू चूज एंड देन द अकाउंट नंबर। दिस इज सैम्पल डेटा, आप अपना एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो, देन अपलोड योर आईडी एंड द सेल्फी विच इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आपका जो भी आईडी प्रूफ है वो अपलोड करो, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज योर फोटोग्राफ, तो आप अपनी सेल्फी लो, योर फेस शुड कम इन दिस सर्कल, एंड देन द स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, पोस्टल कोड, सिटी, योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, एंड देन व्हाट नीड टू सबमिट इट, एंड देन यू कैन कंफर्म एंड देन पे विथ कार्ड और पे विथ सोफोट। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से एक चूज कर सकते हो, एंड देन एंटर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या अगर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे, एंड देन जस्ट पे नाउ एंड देन वॉट। इफ़ यू आर यूजिंग थ्रू सोफोट तो आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। दिस इज सैम्पल, अगेन यू नीड टू डू योर डिटेल्स, फिल योर डिटेल्स एंड देन अगेन, या आई थिंक दैट्स डन। Yeah, that's done processing and 1 business days में हो जाएगा ये कम्प्लीट। गाइज आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प किया हो कि आप पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और चीपेस्ट तरीका क्या है यूरोप टू इंडिया या यूके टू इंडिया पैसा ट्रांसफ़र करने का। अगर यस,
तो नीचे ज़रूर कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, और रिवायर की लिंक्स जो मैंने आपको दी है वो यूज़ करना, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा। एंड गाइज, इन्जॉय योर डे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल सब दबा देना, क्योंकि अगर आप यूरोप के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, या आप नए आ रहे हो या ऑलरेडी रह रहे हो, तो आपको इस चैनल को देख के बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, और बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे कवर करती हूँ, तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, व्हाटएवर, बेल आइकन, बाय।